नमस्कार साथियों, मैं संदीप मोखवाल, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल गियर में स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको अच्छी जानकारी देता हूँ कि चैनल कैसे बनाया जाता है या कैसे आप जो है चैनल से पैसा कमा सकते हैं। और टेक्निकल गियर चैनल में आपको हर चीज़ की टेक्निकल जानकारी मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे नए भाइयों को जानकारी मिल पाए। भाई मैं आपको बता दूँ, मैं भी आपकी तरह एक सिंपल सा आदमी हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, हिंदी भाषा बोलता हूँ, इंग्लिश मेरे को ज़्यादा आती नहीं है। और भाई यूट्यूब चैनल से ही अर्निंग की है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, जब मैं जो है स्क्रीन मैरिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चैनल बनाए, कैसे पैसा कमाए, पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले देख सकते हैं भाई, इतना तो पैसा आप ज़रूर कमा सकते हैं कि आपका गुजारा हो जाए, आपका टाइम हो जाए। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। कैसे चैनल बनाना है, कैसे उसको मोनेटाइज करवाना है, कैसे आपको उसकी कंडीशन पूरी करनी है, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले पे चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो अभी लैपटॉप पे मैं आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं भाई, ये मेरा सिंपल सा ब्राउज़र है जो आप देख पा रहे हैं। और कैसे आपको चैनल बनाना है, चैनल बनाने से पहले कल मैंने आपको ईमेल आईडी बनानी भी सिखाई थी मेरी पिछली वीडियो में, अब वही ईमेल आईडी ओपन करूँगा मैं और उससे आपको चैनल बनाना सिखाऊंगा। जो मैंने ईमेल आईडी बनाई थी वो, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्राउज़र में या अपने मोबाइल में, मोबाइल से यूज कर रहे हो तो मोबाइल में भी तो इजी प्रोसेस होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ब्राउज़र यूज करें, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब चैनल चलाना है तो आप यूट्यूब ऐप से डायरेक्ट जो है अपलोड तो कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर लो, आप यूज़ करना आता है अगर आपको यूट्यूब ऐप है तो ऐप यूज़ कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं वीडियो को आप मोनेटाइज वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ब्राउज़र से यूट्यूब चैनल चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्राउज़र ये आपका मोबाइल ब्राउज़र भी हो सकता है। सिंपली मैं स्टेप वन से बताता हूँ, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में आपको यूट्यूब सर्च करना है, यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब आ जाएगा। यूट्यूब होम पे जाना है और सिंपली साइन इन करना है। मैं यहाँ पे साइन इन करना है, मैंने जो मेरी ईमेल आईडी बनाई थी मैं उससे साइन इन करता हूँ, संदीप टेक्निकल गियर नाम से मैंने ईमेल आईडी बनाई थी, संदीप नोखवाल टेक्निकल गियर नाम से मैंने ईमेल आईडी बनाई थी, और मैं इसको सिंपली साइन इन कर देता हूँ। तो जैसे कि शायद मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, और एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा पासवर्ड क्या होना चाहिए, सिंपल पासवर्ड लगाया था मैंने, फिर भी मैं भूल चुका हूँ पासवर्ड, क्योंकि भाई ये एजुकेशन पर्पज़ से बनाया था। तो चलिए चलते आते हैं कि ईमेल आईडी और बना लेते हैं भाई, नई ईमेल आईडी बना लेंगे, नई ईमेल आईडी नया चैनल होगा। तो जैसे कि मैं नई ईमेल आईडी बना रहा हूँ, आपको अपना सिंपली नाम डालना है और ईमेल आईडी बनाना भी आप सीख जाएंगे साथ साथ में, दो मिनट लगेंगे मेरे को, जैसे जैसे मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ वैसे आप ईमेल आईडी बनाएंगे नई, और नई ईमेल आईडी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नई ईमेल आईडी मेरे को क्या क्या चाहिए, संदीप नोखवाल न्यू ईमेल, मैंने ये ईमेल आईडी का याद दे दिया है, संदीप नोखवाल नहीं यूज नहीं कर सकते अभी, संदीप नोखवाल न्यू @gmail.com। तो देख सकते हैं मेरे को ये ईमेल आईडी नहीं चाहिए जो सजेशन दिया है, तो मैं नई ईमेल आईडी बनाऊंगा, संदीप नोखवाल न्यू नाम से मेरी नई ईमेल आईडी बन रही है। यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, जो भी मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ वही पासवर्ड मैं लगा देता हूँ, आप भी पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, जीमेल आईडी वो मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी, रिकवरी एड्रेस अगर आपके पास है तो डालिए, नरना नमत डालिए, फ़ोन नंबर आपके पास है तो डालिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने टेम्प्रेरी बनाई है, टेम्प्रेरी ही यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ डालने की, क्योंकि मैं एज एजुकेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप रिकवरी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर डालिए। तो ये मेरी ईमेल आईडी बन चुकी है और मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ, यानी आप डायरेक्टली आप दोबारा फिर से यूट्यूब पर आएंगे तो आप साइन इन करेंगे तो आप इस ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने साइन इन कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर साइट पर क्लिक करता हूँ तो क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आता है, तो मैं क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। मेरे को चैनल किस नाम से चाहिए, चैनल का नाम मेरे को चाहिए भाई, मैंने जैसे कुछ भी ले लिए, एजुकेशन चैनल का नाम देखना है, एजुकेशन टैक मैंने यहाँ पे लिख दिया, एजुकेशन टैक ये मेरा चैनल का नाम है। यहाँ पर आप जो है ऑफिशियल जो यूज़र नेम आपका हैंडल होता है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ये अवेलेबल है। और यहाँ से आप पिक्चर वगैरह जो भी चाहे, जैसे कि मेरे को कुछ पिक्चर लगानी है तो मैं डेस्कटॉप पे से उठाऊँगा
और उस पिक्चर को लगा दूंगा चैनल पे। ये मेरी पिक्चर मैंने लगा दी है और डन कर दी है, और अभी जो है हमारा नया चैनल क्रिएट हो जाएगा। और ये देखिए भाई, नया चैनल जो है बन चुका है, आप देख सकते हैं नया चैनल अब आपके सामने आ जाएगा। नया चैनल क्रिएट हो चुका है और अभी आप देख लीजिए, एजुकेशन टेक नाम से नया चैनल बन चुका है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि ईमेल आईडी कैसे मिलेगी। व्यू यू यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल आपके सामने है, और ये आप चीज़ देख सकते हैं भाई, आ चुका है यूट्यूब चैनल आपके सामने है, और ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। और कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो, तो आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है। देखिए मेरा लोगो भी आ चुका है और चैनल का नाम भी आ चुका है। और अब इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना होता है आपको, कस्टमाइजेशन जाएंगे नीचे, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आप जो है आपका बैनर इमेज लगा सकते हैं जो यूट्यूब चैनल के पीछे होती है, कुछ भी आप बैनर इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये लगा रहा हूँ, और ये मैंने बैनर इमेज लगा दी और डन कर दिया। बैनर वगैरह तैयार कर सकते हैं, बैनर कैसे लगाना है, कैसे बनाए, काफ़ी वेबसाइटें हैं, बैनर आपको मिल जाएगा। वाटरमार्क दे सकते हैं, अगर आपके वाट पास वाटरमार्क है तो आप वाटरमार्क दे सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये वाटरमार्क जो कुछ नहीं है। अभी मैं इसको पब्लिश पब्लिश कर देता हूँ, और ये अभी पब्लिश हो चुका है। और अभी बेसिक इन्फो पे जाऊँगा मैं, तो चैनल का नाम आपके सामने है, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। हैंडल का नाम आपके सामने है, इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी आपका चैनल किस अबाउट में, यहाँ पे मैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ एग्ज़ाम की तैयारी, यानी आप देख सकते हैं IAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आपका चैनल पे जो भी कंटेंट डालेंगे, अगर आपको टेक्निकल जानकारी देनी है तो टेक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कॉमेडी चैनल बना रहे हैं तो कॉमेडी वगैरह, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब अपने बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका चैनल बन के तैयार हो चुका है, लास्ट में पब्लिश करेंगे तो बेसिक इन्फो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका चैनल बनकर तैयार हो चुका है, और कमेंट सेक्शन से आप कमेंट पढ़ सकते हैं। एनालिटिक से आप कोई वीडियो डालेंगे तो उसका एनालिटिक यहाँ पर आ जाएगा, क्या क्या आपने डाला है, उस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये चीज़ अभी कुछ नहीं डाला तो कुछ नहीं दिखा रहा है, अगर आप वीडियो डालेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके वीडियो पर कितने व्यू आए हैं, कि कहां से ट्रैफिक आ रहा है, ये जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। कंटेंट में आप जितनी वीडियो डाली आ जाएंगे, शॉर्ट फीड लाइव के तो लाइव में जाना है, कोई प्लेलिस्ट बनाई है तो प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट यहाँ से आप बना भी सकते हैं, न्यू प्लेलिस्ट नाम वगैरह डाल के आप बना सकते हैं, तो प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपलोड वीडियो पर जाएंगे तो आपकी जो फ़ोन की मेमोरी खुल जाएगी, या फाइल मैनेजर जो भी लैपटॉप वगैरह भी चला है वो खुल जाएगा, तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और जैसे कि मैंने ये अपलोड पे लगा दी है, तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, थंबनेल डाल सकते हैं, वीडियो का थंबनेल चूज करेंगे तो थंबनेल डाल सकते हैं, फ़ोन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ऐसे करके जो है आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपका चैनल पूरी तरह से अब बनकर तैयार है, और कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग से जाकर कुछ चीज़ें यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मोनेटाइज के बाद मोनेटाइजेशन के बाद आप यूज़ करें, एडवांस सेटिंग यूज कर सकते हैं, और परमिशन आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं भाई कैसी जानकारी आपको मिलती है यहाँ पर, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंटेंट आपसे कंटेंट देख सकते हैं, एनालिटिकल आप चेक कर सकते हैं, कमेंट आप चेक कर सकते हैं, जो चैनल पे कॉपीराइट आप चेक कर सकते हैं। अर्निंग पे आप जाएंगे तो अर्निंग का जो है बैनर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो अर्निंग का बैनर यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको नज़र आएगी, अर्निंग का बैनर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये चीज़ है कॉपीराइट टूल वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप का चैनल की कुछ कंडीशन होती है जिसको आप पूरा कर लेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है, 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए और 4000 का वॉच टाइम चाहिए। अगर आप शॉर्ट चैनल बना रहे हैं तो 10 मिलियन का आपको वॉच टाइम चाहिए। चैनल आप शॉर्ट या वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, आपका चैनल आप कुछ भी डालिए, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चैनल पर आप जो है अपना एक ही कैटेगरी रखिए कंटेंट की, मतलब अगर टेक्निकल बता रहे हैं तो टेक्निकल, एजुकेशन बता रहे तो एजुकेशन, कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी, ब्लॉग कर रहे हैं तो ब्लॉग कीजिए, गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग कीजिए। यानी एक ही चैनल पर एक ही कैटेगरी चूज कीजिए ताकि आपके सब्सक्राइबर आपसे खुश रहें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें बनाकर,
जो चाहे वो डाल दे, ऐसा नहीं है। मतलब डाल तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो चैनल की कैटेगरी होनी चाहिए, यानी अगर आपका चैनल कॉमेडी वीडियो का है तो आप कॉमेडी ही उस पर डालें, ना कि कॉमेडी वीडियो डालने के बाद आप उस पर टेक्निकल बताने लगे। अगर आपका चैनल टेक्निकल है तो उस पर ना कि टेक्निकल वीडियो डालने के बाद आप कॉमेडी करने लगे, यानी अलग अलग चैनल। अब मैं आपको बताता हूँ अर्निंग। मैंने आपको वीडियो में पहले कहा था कि मैंने मेरी अर्निंग तो दिखाई नहीं, कितना आप यूट्यूब से कमा सकते हैं वो चीज़ें मैं आप आपको बताता हूँ। ये चैनल कैसे बनता है तैयार हो चुका है। अब मैं खोलता हूँ मेरे चैनल का वाई टी स्टूडियो। तो मेरे चैनल का वाई टी स्टूडियो खोलेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल आ चुका है, संदीप नोखवाल चैनल है। इस पर मैं लगातार ब्लॉगिंग वीडियो डालता हूँ और मैं एनालिटिक में जाऊँगा और अब तक मैंने कितना पैसा कमाया। मेरे को चैनल चलाते हुए लगभग 3 साल हो गए, 3 साल में आप देख सकते हैं कितना पैसा कमा लिया मैंने। टोटल $3,122 मेरे चैनल की अर्निंग है, और $3,122 इन INR करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना पैसा मैंने कमा लिया। 2,59,000 रुपये मैंने कमा लिए। ज़्यादा अर्निंग नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों की तरह छोटा यूट्यूबर हूँ। ये जो 3 साल के अंदर चैनल ने मेरे को अर्निंग करके दिया, कमा के दिया है, सिंपली ब्लॉगिंग वीडियो डालता हूँ चैनल पर, आप देख सकते हैं। एक कोई वीडियो चलती है, कोई वीडियो नहीं चलती, ये चीज़ें मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये चीज़ें आपको मिलती है। तो इस चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा वीडियो लिख सकते हैं, कोई सवाल कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। बने रहिएगा टेक्निकल गियर के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।